देखते हैं बेटे, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? देखते हैं बेटे अब, व्हाट इज रिडक्शन एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन? एक ही साथ लेकर चलना पड़ेगा इनको, क्योंकि ये बेटे एक सिक्के के दो पहलू हैं। यानी कि एक अगर हेड है तो दूसरा टेल है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। एक साइड लिखते हैं रिडक्शन, एक साइड लिखते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बेटे, अगर हमें ये कहें कि यहाँ हाइड्रोजन हमने ऐड किया, तो क्योंकि उल्टा है तो यहाँ हाइड्रोजन हमने रिमूव किया। अगर हमें कह दिया कि यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो यहाँ कह दिया हमने कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किया। अगर हमने यहाँ कह दिया कि यहाँ से मैंने ऑक्सीजन रिमूव किया, तो बेटे यहाँ तो ऑक्सीजन ऐड करना होगा। तो अब देखो इनकी क्या डेफिनेशन होगी। रिडक्शन द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन और द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन। अब यहाँ द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन और द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन अ रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। देखो जरा, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन अब आया और द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन। ठीक, एग्जाम्पल दोनों का एक साथ देख लेंगे। और इसको हम बोलेंगे बेटा द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन और द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। क्लियर हुई बेटे बात? देखो जरा, अब जो है इसके एग्जाम्पल करते हैं। तो बेटे एग्जाम्पल में हमने इसका लिखा जो है, देखो जरा एग्जाम्पल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन करना है बेटे। तो अगर हमने ये देख लिया बेटे कि सपोज टू बी हमारे पास है SO4 है हमारे पास 2 नेगेटिव के साथ, और हमारे पास H पॉजिटिव है बेटे 2, तो ये कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन है और ये बना हमारा H2SO4। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन ऐड हुआ तो यहाँ रिडक्शन है। अगर मैं कहूँ बेटे कि क्लोरीन एटम है और क्लोरीन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ हो गया Cl निगेटिव, तो बेटे यहाँ भी क्लोरीन का जो है हमारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से रिडक्शन हुआ। अब इसका उल्टा करते हैं बेटे, H2SO4 है उसका हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, डिकम्पोजिशन कर दिया हमने, वो टूट गया बेटे 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में। देखिए जरा, यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन रिमूव हुआ ना तो ऑक्सीडेशन हुआ बेटे। Cl नेगेटिव से वो हो गया Cl प्लस इलेक्ट्रॉन। देखो जरा, जब यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के साथ उसने नेगेटिव चार्ज बनाया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के बाद उसके ऊपर चार्ज हट जाएगा, तो यहाँ बेटे ये हुए रिडक्शन के एग्जाम्पल और ये हुए ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बेटे। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटे, एजेंट का काम होता है काम कराने का, वो खुद काम नहीं करता, वो काम कराता है।
कभी कभी ऐसा होता है कि किन्हीं दो पार्टी के बीच में वो मीडिएटर होता है। तो अब हम देखते हैं पहले रिड्यूसिंग एजेंट को। और फिर देखते हैं ऑक्सीडेशन एजेंट को। बेटे नाम में कंफ्यूजन मत करियो बेटा, ऑक्सीडाइजिंग और ऑक्सीडेशन एजेंट एक ही होते हैं। देखो अगर हम एक केमिकल रिएक्शन कंसीडर करें, ये सोडियम है बेटे, उसने क्या काम किया, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, और इलेक्ट्रॉन छोड़ने से बनता है पॉजिटिव चार्ज, तो उसके ऊपर हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब बेटे कहीं क्लोरीन ना परेशान बैठा था क्योंकि उसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने छोड़ा वो क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया और बना दिया सीएल निगेटिव। अगर हम इस रिएक्शन को जोड़ते हैं तो ये होगा हमारे पास Na प्लस Cl प्लस E निगेटिव गिव टू। बेटे ये अपोजिट चार्जेस है, जुड़ेंगे NaCl प्लस E निगेटिव। अच्छा बच्चों, केमिकल रिएक्शन का रूल ये है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कभी सेम नहीं होते, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट गया। हमारी जो ओवरऑल रिएक्शन बची, जो हमारी ओवरऑल रिएक्शन बची बेटे, वो है ये Na प्लस सी एल यू टू एन ए सी एल। अब यहाँ एक चीज देखो बेटे, यहां से यहां सोडियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, और इलेक्ट्रॉन को छोड़ना होता है रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, बताओ आप लोग सोचो। बेटे यहां इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा ऑक्सीडेशन, यहां क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, यहां हुआ रिडक्शन, ठीक। और यहीं से एक नया कंसेप्ट सामने आया बेटे, रिडोक्स। बेटे रिडोक्स जो है एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जहां रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ होते हैं, यानी कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर बेटे रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक साथ हुए, तो ये जो केमिकल रिएक्शन है वो रिडोक्स है। अब जो बात थी रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, सुनो जरा बेटे, इसने ऑक्सीडेशन किया अपना, लेकिन कहीं में हेल्प की रिडक्शन में। देखो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ छुटा तभी तो इसका रिडक्शन हुआ। दूसरी बात, अब इसको उल्टा देखते हैं बेटे, क्लोरीन ने इसका इलेक्ट्रॉन पकड़ा तभी तो इसका ऑक्सीडेशन सक्सेसफुल हुआ, नहीं तो क्या फायदा था उसे जो है ऑक्सीडेशन करने का। तो जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन या रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो देखो क्या होते हैं, द स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज विच हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंसेस अदर सब्सटेंसेस। बेटे जो दूसरे एक सब्सटेंस के रिडक्शन में हेल्प करती हो लेकिन खुद क्या करती हो, अपना ऑक्सीडेशन बाय अंडरगोइंग रिडक्शन ऑक्सीडेशन आर नॉन एज रिड्यूसिंग आर नहीं बेटे इज करना होता है इज नॉन एज रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट। अब बेटे इसी का जस्ट अपोजिट है हमारे पास ऑक्सीडेशन एजेंट, द स्पीसीज विच हेल्प्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस या बाय अंडरगोइंग रिडक्शन बाई अंडरगोइंग रिडक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है बेटे? और साथ ही हम रिडोक्स की भी डेफिनेशन देख लेते हैं यहां, द रिएक्शन
इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। और बेटे इसका एग्जांपल ले रहा है यहां पे, क्लियर है? अब बेटे यहां रिडॉक्स खत्म हुआ, अब बात करते हैं हम थोड़े सी अलग या हमारे जो कंसेप्ट हैं जो थोड़े से आगे के हैं उनके। बेटे अब जो हमारे नए टॉपिक्स हैं वो है हमारा कोरोजन और रेंसिडिटी। ये जो दो कंसेप्ट है बेटे ये रिडॉक्स के एग्जांपल है, ठीक? यहाँ रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक साथ होता है। देखो कोरोजन क्या होता है, जब एटमॉस्फेयर के अंदर जो नमी होती है, जो पानी होता है, वो मेटल्स के सरफेस को खराब कर देते हैं, तब हम कहते हैं कोरोजन, ठीक? रेंसिडिटी ये बेटे इसमें क्या होता है कि जो एडेबल आइटम्स होते हैं, जो फूड आइटम्स होते हैं, जब वो ऑक्सीडेशन होने के बाद खराब हो जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं रेंसिड, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। देखते हैं बेटे इसको डेफिनेशन के थ्रू। द चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी ब्रैकेट में एयर एंड वाटर बाय विच द मेटल स्टार्ट टू डिस्ट्रॉयड। इसके बाद मेटल डेस्ट्रॉय यानी कि खराब होना शुरू हो जाता है, वो होती है कोरोजन। एग्जाम्पल है बेटे इसका रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्ट ऑफ आयरन लोहे पर जंग लगना, ठीक है? अब बात यह आई कि कोरोजन से बचा कैसे जाए, मेथड ऑफ प्रिवेंशन रस्टिंग या कोरोजन, कोरोजन ही करते हैं बेटे। पहला पेंट कर दो, दूसरा ऑयल या ग्रीसिंग कर दो। जब तेल लगा देंगे हम या ग्रीस लगा देंगे तो हवा जाएगी, खराब कैसे करेगी? तीसरा जो है बेटे वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये तीन हमारे पास एग्जांपल्स या इसके जो मेथड ऑफ प्रिवेंशन है वो हुए। अब बात करते हैं रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी है बेटे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विच प्रोड्यूस अनवांटेड कोमा अन डिजायरेबल अनडिजायरेबल एंड टेस्ट लेस चेंजेस इन फूड इज नोन एज रेंसिडिटी। क्लियर है बेटे? यानी कि जब फूड का जो है ऑक्सीडेशन होता है और वहां से अनवांटेड जो है हमारी स्मेल बनती है,
अनडिजायरेबल या अनवांटेड या टेस्टलेस चेंज होते हैं फूड की प्रॉपर्टी में, तब हम बोलते हैं वहां कि वहां हुई रेंसिडिटी। एग्जाम्पल, किसी भी चीज का सड़ना, डायरेक्ट बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिवेंशन की। बेटे देखो, खाना खराब होने से बचाने का पहला है रेफ्रिजरेटर का यूज। रेफ्रिजरेटर है हमारे पास ऑप्शन एक। दूसरा, बेटे उसे अंधेरे में रख दो, लाइट से दूर। अंधेरे का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल अंधेरा करके रख दिया, लाइट से दूर। कीप इन डार्क एंड ड्राई प्लेस। अच्छा जी, फिर तीसरा पॉइंट बेटे, उनके साथ ना देखो ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन से और किसी गैस से नहीं होता, तो ऑक्सीजन छोड़ दो, बाकी किसी भी तरीके की गैस यूज कर लो। जो टोमेटो या जो पोटैटो के चिप्स आते हैं, इनके साथ देखा है आपने, हमारा पैकेट खुला रहता है, क्यों? उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल होती है। अब जो है, यूज अनादर गैस इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। ये था बेटे हमारा चैप्टर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज ये हुआ पूरा। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी प्रैक्टिस।